आज किसान एकता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी की अनुपस्थिति में मजिस्ट्रेट उदित पनवार से मिला। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि युवा के मंडल अध्यक्ष जय सिंह यादव के साथ सरदार नगर के कुछ लोगों ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया था। किसी तरह पुलिस के पहुंचने पर हमलावर उन्हें छोड़कर भागे, तब जाकर पीड़ित की जान बच पाई, जिसका मुकदमा भमोरा थाने में 307 में दर्ज हुआ। किंतु जो चिकित्सक ने मेडिकल किया उससे पीड़ित संतुष्ट नहीं है, अतः हमारी मांग है कि सीएमओ को निर्देशित कर पुनः मेडिकल कराया जाए, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। मजिस्ट्रेट उदित पनवार ने तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पुनः मेडिकल कराने का आदेश पारित किया। प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सचिव यज्ञ प्रकाश गंगवार, प्रदेश संगठन मंत्री चौधरी जगपाल सिंह यादव, युवा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम पाल गुर्जर, युवा के प्रदेश महासचिव यशवीर यादव, जिला उपाध्यक्ष नरेश पाल यादव, जिला महासचिव अवधेश गुर्जर, युवा के मंडल अध्यक्ष मंडल महासचिव डॉनशु भारती, मंडल सचिव खेतल सिंह, बोहरन सिंह गुर्जर, महानगर अध्यक्ष दीपक पांडे, महानगर जिला उपाध्यक्ष गिरीश गोस्वामी, दीपक गुर्जर तहसील अध्यक्ष, युवा उपाध्यक्ष संजय पाठक, महानगर महासचिव राजेंद्र तिवारी, अवनीश गुर्जर तहसील उपाध्यक्ष विशेष यादव, महानगर मीडिया प्रभारी अवधेश शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी कविता सिंह आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बरेली से कविता सिंह की रिपोर्ट। मैं किसान एकता संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर रवि नागर, आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि 12 नवंबर को हमारे जिले के मंडल के युवा के अध्यक्ष जय सिंह यादव जी के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। भगवान का शुक्र था कि हमको पता चली। SHO भमौरा को हमने फ़ोन किया, वो बहन जी हमारी इतनी अच्छी हैं, देवी के स्वरूप हैं, कि वो तुरंत ही हमारे फ़ोन पर पहुँची, जिसकी वजह से हमारे जय सिंह यादव जी की जान बच गई और आज हमारे बीच में खड़े हैं। तो उनका मेडिकल परीक्षण जो हुआ, मेडिकल जो हुआ PSC पर, वहाँ कहीं ना कहीं विपक्षी लोगों से खेल हुआ और वो गंभीर चोटों को बहुत ही साधारण चोटें दिखाई गईं, जबकि इतने गंभीर थे, बेहोश थे, और उसी चिकित्सक ने मेडिकल के लिए आगे की इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किया। अगर सोचने की बात है, गंभीर चोट नहीं थी तो फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्यों रेफर किया गया? इसका मतलब उनके बस की बात नहीं थी, उनके बस में नहीं था तभी रेफर किया जाता है, इसका मतलब गंभीर चोट थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब मरीज रहा तो 8 दिन मरीज भर्ती रहा, स्टिचिंग आए, सर्जरी हुई और उसका इलाज हुआ, उसके बाद 8 दिन के बाद छुट्टी हुई। तो सभी लोग ये मानते हैं जो अंधे से अंधा होगा कि जरूर 8 दिन अस्पताल में तभी मरीज भर्ती रहेगा जब वो गंभीर रहा होगा, लेकिन पैसे का ऐसा खेल है कि चिकित्सक ने जो प्राइमरी रिपोर्ट बनाई उसमें ऐसा खेल किया कि साधारण चोटें दिखा दी गई, जिससे पीड़ित को हमारे जय सिंह यादव जी को न्याय नहीं मिल रहा है। आज हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय जी से ये निवेदन करने आए हैं कि हमारा मेडिकल CMO को आदेश कीजिए कि हमारे पीड़ित का मेडिकल पुनः एक पैनल के द्वारा कराया जाए, जिससे सत्यता सामने आए और हम संतुष्ट हो सकें। अभी DM साहब नहीं बैठे थे, उनके प्रभारी महोदय जो भी हैं, तो प्रतिनिधि जी या मजिस्ट्रेट साहब दूसरे, उन्होंने आदेश किया है CMO साहब को, फ़ोन भी किया है, हमारा लेटर भी उन्हें व्हाट्सएप किया है, और अब अभी हम CMO साहब के पास जा रहे हैं और वहाँ जाकर हम CMO साहब से पैनल की बात करेंगे कि इनका मेडिकल किया जाए, इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? क्या किसने हमला करा था आपके? क्या मामला था? पुराने रंजीश वाले किस किसने कराया था हमला? क्या हमला करा था? हड़ता तलवार थी। क्या चाह रहे हैं इसमें, क्या मामला है? मैं ये चाह रहा हूँ दोबारा मेडिकल हूँ मेरा, तो धारा बने उसे। आपकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ? जी, 307 में कम्प्लेंट हो रही। कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो हो रही, मेडिकल के आधार पर कार्रवाई हो रही है। डॉक्टर साहब ने मेडिकल ही गलत नॉर्मल लिखनी चोट रहा थी। आप रीमेडिकल कराना चाहते हैं दोबारा मेडिकल? मेरा नाम यज्ञ प्रकाश अंगवार, राष्ट्रीय सचिव किसान एकता संघ। आज जो आए हैं DM साहब से मिले, क्या मामला है? मामला ये है, हमारे ये जय सिंह भाई हैं,
इनको विरोधी द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया जिसके द्वारा इनको मारने की साजिश हुई थी। और बहुत बहुत धन्यवाद है भमोरा मैडम का, जो SHO है वहाँ थी, वो समय से अगर नहीं पहुँची तो इनके साथ कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो सकती थी जिसके द्वारा उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। आज क्या मांग करिए? मांग हमने ये की है, जो मेडिकल हुआ है हमें कहीं ना कहीं उनसे संदिग्धता जाहिर हो रही है, मेडिकल से हम संतुष्ट नहीं है। हमने यही चाहा, DM साहब के पास हम आए थे कि पुनः मेडिकल की हमारी मांग रही है, पैनल की तरह, पैनल के द्वारा दोबारा हमारी मेडिकल की मांग है जिससे हमें न्याय मिल सके।